बहुत चौंकाने वाली बात ऑब्वियसली कंगना रनौत ने कही है। उन्होंने कहा है हीरोइन को शूटिंग करने के बाद रात को गर्म दूध का ग्लास लेकर के हीरो के कमरे में जाना पड़ता है, उसको खुश करना पड़ता है, हीरो या डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है तब उसे काम मिलता है। वरना 10 लड़कियां जो लाइन में लगी हुई हैं उनमें से आपको क्यों चुना जाएगा? आपको इसलिए चुना जाएगा क्योंकि हीरो या डायरेक्टर जो है वो आपका नाम लेगा, और वो ऐसे ही आपका नाम नहीं लेगा, आपको उसको खुश करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है सेट पर जया बच्चन ने जो बात कही थी उसका जवाब देते हुए, करियर का और तमाम चीज़ों का जवाब देते हुए, जहाँ पर ये बात हुई थी कि जया बच्चन ने जो चीज़ें कही थी और बड़ी स्टार हैं छोटी स्टार हैं स्ट्रगल है, उस पर उन्होंने कहा है, वो कहती हैं कि सेट पर, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, सेट पर हीरोइन को हीरो की बीवी की तरह वाइफ की भूमिका निभाना पड़ता है। ओ बेबी दिस, टेक बेबी, डू दिस, ईट दिस, इस तरह का ख्याल रखना पड़ता है ताकि हीरो अगली बार हीरोइन को रिकमेंड करे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, जया बच्चन जी प्रोटेक्टिव हो सकती हैं, उनका स्ट्रगल बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि शी हैज़ अ पावरफुल मैन बाय हर साइड, अमिताभ बच्चन, सो शी कुड हैव बीन नॉट फेस्ड ऑल दीज थिंग्स, बट ऑल दीज थिंग्स हैपेंस। जब एंकर ने पूछा कि नाविका ने पूछा प्रिसाइजली कि ये जनरलाइज कॉमेंट कैसे कर रहे हो, क्या सबको ऐसा करना पड़ता है, तो उस पर हालांकि बाद में एडिट किया हुआ इंटरव्यू, उस पर कंगना ने एग्जैक्टली क्या कहा वो बात एडिट करी, लेकिन उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा ए लिस्टर ए, ए प्लस, बी बी प्लस, सी सी माइनस, सब जगह यही करना पड़ता है, हीरोइन को हीरो को खुश करना पड़ता है, डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है, उसका उसके कमरे में गर्म दूध का ग्लास लेकर जाना पड़ता है। अब हमारे देश में गर्म दूध का ग्लास किस बात का प्रतीक है? फर्स्ट नाइट का या हनीमून का? एक आम धारणा है कि गर्म दूध का ग्लास लेकर के जाना हम लोग फिल्म, वो रियल लाइफ में भले ना हो, फिल्मों ने उसको बहुत हाईलाइट कर दिया है। तो उस बात को यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हीरोइन को हीरो को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, शी हैज़ टू गो फर्दर थ्रू हिज बेड, दैट्स वॉट शी सेड। आप इस बड़े रिवेल्यूशंस कर रही हैं, अब तक थोड़े लोगों के खिलाफ थी, इसके बाद और आवाज़ें कंगना के खिलाफ उठने लगेंगी क्योंकि इससे बहुत सारे हीरोइंस ऑफेंडिंग फील करेंगी। मगर कंगना तो कंगना है, बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी ज़बरदस्त तरीके से, और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। कंगना की तरह का मादा मुझे नहीं लगता किसी का इस वक्त, किसी भी एक्ट्रेस का इस वक्त है जो इतनी बेबाकी से इतनी बातें कर पाती हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त।